अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जापानी दूरबीन के बारे में, जो कि 8x32 और मीडियम साइज़ दूरबीन है। इसकी एक जूम टेस्ट वीडियो बनाएंगे और इसकी जूम पावर और इमेज क्वालिटी के बारे में जान लेंगे। तो दोस्तों इसकी अगर हम लोग ब्रांड की बात करें तो इसकी जो ब्रांड है वो है टॉपकॉन, और इस साइड पर लिखा हुआ है टोको। और दोस्तों इसकी अगर हम लोग पावर की बात करें तो 8x इसकी पावर है, यानी 8 टाइम ऑब्जेक्ट आप लोगों को नज़दीक दिखाई देगा। यानी फॉर एग्जांपल ये सामने वाला बिल्डिंग है, इसको अगर मैं दूरबीन से देखता हूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं कितना नज़दीक मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मोबाइल में वैसे तो बहुत दूर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि 8x जो है इसकी जूम पावर है। और दोस्तों इसके अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें, ये वाले जो लेंस है तो ये 30mm के ऑब्जेक्टिव लेंस इसमें लगे हुए हैं। और दोस्तों इसकी फील्ड ऑफ व्यू की बात करें, इसकी जो फील्ड ऑफ व्यू है वो 7.5 है, बहुत अच्छी फील्ड ऑफ व्यू है। और दोस्तों इसकी अगर हम लोग कोटिंग की बात करें तो इसके जो लेंस है वो कोटेड है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कोटेड। ठीक है दोस्तों, ये आई पीस जो है इसका सादा लग रहा है, यानी इस पर कोटिंग नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये वाले जो बड़े लेंस है ये कोटेड है। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों इसके अगर हम लोग प्रिज्म की बात करें तो इसमें जो प्रिज्म यूज़ हुए हैं वो BK7 प्रिज्म इसमें यूज़ हुआ है। और दोस्तों इसकी इमेज क्वालिटी की बात करें तो इसकी जो इमेज क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जापान में बहुत किस्म के दूरबीन आते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह का एक मतलब हल्के दूरबीन भी आते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है बॉडी के लिहाज से भी बहुत मजबूत है, आप लोग देख सकते हो, और इमेज क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। तो मतलब ये जो है ना जापान के बाइनोकुलर्स में मतलब अच्छा दूरबीन है। ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत अच्छा है, लेकिन वो बहुत जो थर्ड क्लास दूरबीन होते हैं वो नहीं है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसकी अगर हम लोग मॉडल की बात करें तो ये पोरो प्रिज्म मॉडल के जो दूरबीन होते हैं ये वो है। ठीक है दोस्तों, और जो सीधा सीधा होता है वो उसको कहा जाता है रूप प्रिज्म। वो जो है ना रूप प्रिज्म दूरबीन जो होते हैं वो पोरो प्रिज्म दूरबीन से महंगे होते हैं, बशर्त ये कि उसमें ओरिजिनल ऑप्टिक्स यूज़ किया गया हो, ऐसा ना हो कि हर रूप प्रिज्म दूरबीन जो है ना वो महंगा है। ठीक है दोस्तों, जो न्यू मॉडल है, जो मतलब न्यू मॉडल के जो दूरबीन आ रहे हैं रूप प्रिज्म, जिसके लेंस जो है ना वो मल्टी कोटेड होते हैं और इमेज क्वालिटी फुल HD होते हैं और वाटरप्रूफ नाइट्रोजन फील्ड, इस तरह के जो दूरबीन होते हैं रूप प्रिज्म ये बहुत महंगे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है पोरो प्रिज्म मॉडल है। और दोस्तों इसके अगर हम लोग साइज़ की बात करें तो ये मीडियम साइज़ है, ये छोटा है दूरबीन, ये बहुत बड़ा नहीं है, इसको कहा जाता है मीडियम साइज़। और दोस्तों इसकी मेड इन की बात करें तो ये मेड इन जापान है, ओरिजिनल, ये ओरिजिनल जापानी दूरबीन है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप लोग हम लोगों से रबता करना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 0333-78-86-510। इस नंबर पर आप लोग हम लोगों से रबता कर सकते हैं, हमारे पास COD सर्विस भी है। हम लोग आपको पाकिस्तान में किसी भी जगह अगर आपको चाहिए हम लोग आपको कैश ऑन डिलीवरी बेच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस नंबर पर कैटलॉग बना हुआ है और आप लोग जो है ना बाइनोकुलर की प्राइसेस वगैरह भी चेक कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को और मालूम चाहिए वो भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों वीडियो की तरफ जाते हैं, इसकी एक जूम टेस्ट वीडियो बनाते हैं। जी दोस्तों, तो सबसे पहले ये जो सामने वाला पहाड़ है इसको देख लेंगे। ये तकरीबन यहाँ से 3 किलोमीटर के फासले पर है दोस्तों, इसकी फील्ड ऑफ व्यू बहुत अच्छी है,
7.5 है। ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये इस तरफ जो सबसे बड़ा पहाड़ है इसको देख लेंगे, लेकिन मौसम जो है ना इस तरफ इतना सही नहीं है, ये आप लोग देख सकते हैं। इस पर बादल आया हुआ है और इस तरफ फिर भी जो है ना मौसम थोड़ा बेहतर है। ये जो है ना यहाँ से 5 किलोमीटर के फासले पर है। और दोस्तों इसके बाद ये जो बिल्डिंग है इसको देख लेंगे, ये वाला जो बिल्डिंग है ये आप लोग देख सकते हैं। इससे आप लोगों को इसका इमेज क्वालिटी का सही पता चल सकता है कि ये किस तरह इमेज क्वालिटी दे रहा है। ये जो है 1 किलोमीटर से थोड़ा कम है। और दोस्तों इस तरफ तो मौसम बहुत ख़राब है, फिर भी मैं आप लोगों को एक व्यू दूंगा। ये आप लोग देख सकते हैं इस तरफ मौसम बिल्कुल ख़राब। अच्छा, इसके बाद ये ज़ियारत वाला पहाड़ है इसको देख लेंगे दोस्तों, ये वाला। ये आप लोग देख सकते हैं वो जो बैक साइड पर पहाड़ है वो बहुत दूर है यहाँ से, ये 3 किलोमीटर के फासले पर है, वो 5 किलोमीटर के फासले पर है दोस्तों। ये आप लोग देख सकते हैं। हाँ अच्छा दोस्तों, इसके बाद इस तरफ जो ये पहाड़ है इसको देख लेंगे, जिसमें ये डैम वगैरह भी है। ये जो टावर के बिल्कुल अपोजिट साइड पर आप लोग देखो, जो बैक साइड है, बैक साइड पर आप लोग देखो सीढ़ियाँ नज़र आ रहा है बिल्कुल, ये जो पहला तार है नीचे वाला इसके साथ, ये डैम की सीढ़ियाँ हैं। ये जो है ना यहाँ से काफ़ी दूर है दोस्तों, ये 7 किलोमीटर के फासले पर है। दोस्तों यहाँ पर भी यानी इस साइट का भी एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी मौसम साफ है। अब ये जो पहाड़ इसमें मैं कवर कर रहा हूँ ये फिर काफ़ी दूर है। ये बहुत दूर है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर एक बिल्डिंग है इसको भी मैं इसमें दिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अब मेरे चैनल में मैंने डाली हुई है, सुपर जेनिथ 8032। वो बहुत हल्की चीज़ है दोस्तों, ये वो बहुत ही हल्की चीज़ है, लेकिन ये जो है ना उससे बेहतर है। मतलब ये बहुत बॉडी लिहाज से भी मजबूत है और इमेज क्वालिटी के लिहाज से भी अच्छा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आप लोगों को हमारे हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। और अगर आप लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।